हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डू वर्कशीट 5। एक्चुअली चैप्टर 2 में जो वर्कशीट 5 है, दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन। सो दैट दोज हु हैव नॉट सीन दैट वर्कशीट 4 मींस रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर और इनवर्स ऑफ ए नंबर, अगर तुम वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में यूज होगा। तो पहले वो देख लो, क्योंकि तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उधर वो वीडियो पहले देख लो, फिर ये वीडियो में आना, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। पहले हम कुछ जो डिवीजन का जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो देखो, डिवीजन मतलब इफ आई टेक टू रैंडम रैशनल नंबर लाइक एक्स एंड वाई, सो इफ आई डिवाइड अगर तुम ये जो डिवाइड साइन है इसको चेंज कर दोगे मल्टीप्लीकेशन साइन में, तो तुम्हें क्या करना है, जो y होगा उसका इनवर्स लिख देना है। इसको याद रखना, जस्ट दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली दैट यू कैनॉट डिवाइड अ नंबर। सो व्हाट टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट द साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो अगर तुम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो तुम्हें क्या करना होगा, जो वाई है मतलब डिवाइड साइन के बाद जो नंबर है उसका इनवर्स को लिख देना है। अब एक नंबर देके समझा रहे हैं, देखो 5/6 डिवाइड, अब इसको कैसे करना है, तो तुम्हें लिखना है जो पहला वाला नंबर है उसको पहले लिख दो 5/6। नाउ तुम्हें क्या करना है, इस साइन को चेंज करना है, तो इसको इनटू करो। अगर इसको इनटू कर दिया, डिवाइड को अगर इनटू कर दोगे, तो उसके बाद में जो नंबर होगा वो उसका रेसिप्रोकल नंबर, मतलब पहले ऐसे लिखो 5/3 इनवर्स। ठीक है, अब तुम लोगों को जो पिछले वाला वर्कशीट है उससे पता चल गया कि ये इसका इनवर्स मतलब पैर नीचे पैर ऊपर, सो 3/5। और वन मोर वे यू कैन से, अनदर वे यू कैन एक्सप्लेन दैट द न्यूमरेटर विल बी नाउ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी नाउ न्यूमरेटर। दिस इज द रूल ऑफ द डिवीजन। सो एक और तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो कि सोचो कि 5/4 आप ये कैंसिल हो जाएगा, देखो सो हाउ इज द आंसर। तो मतलब तुम्हें अगर डिवीजन है, पता है कि डिवीजन कैसे करना है, सॉरी मतलब अगर तुम्हें पता है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है दो रैशनल नंबर का, तो तुम्हें ये चैप्टर भी झट से आ जाएगा। बस तुम्हें क्या याद रखना है कि जब डिवाइड साइन को तुम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, तो उसके बाद का जो नंबर है उसको उल्टा कर देना है। तो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक्स डिवाइड वाई कैन बी रिटन एज एक्स इंटू 1/y। तो ये 1/y था, तो एक एग्जाम्पल देके लिख रहा हूँ, देखो इसी एग्जाम्पल को 5/6 डिवाइड 5/3, तो तुम कैसे लिख सकते हो 5/6 इंटू, आप इसको उल्टा कर दो मतलब 3/5, डायरेक्ट तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसा तुम्हें लगे कि जो इजी है उसी तरीके से फॉलो करो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि डिविजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0 यू विल गेट अनदर रैशनल नंबर। मतलब कि 5/6 है, अगर इसको तुम 0 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये अनडिफाइंड होता है, याद रखना। मतलब अगर कोई नंबर को तुम 0 से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तुम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर अदर देन 0 मतलब 5/6 को तुम 0 के अलावा कुछ और नंबर से डिवाइड करो, सोचो कि 5/6 डिवाइड 3/5, तो क्या होगा, सिंपली 5/6 इंटू, नाउ इंटू मतलब ये उल्टा हो जाएगा, सर ऊपर पर पैर नीचे, तो आप बोलो ये कहीं से भी कैंसिल नहीं होगा, तो सेम मल्टीप्लाई करना है, तो 25/18, दैट मींस दिस इज अनदर रैशनल नंबर। तो तुम अगर दो नंबर का डिवीजन करो दो रैशनल नंबर का, डेफिनेटली ये नंबर अदर देन 0 है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, और एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। अब कोई बच्चे पूछ सकते कि 0 डिवाइड बाय अगर कोई रैशनल नंबर करे तो क्या मिलेगा, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई नंबर को अगर तुम मतलब 0 को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। परंतु इन दोनों में डिफरेंस है,
इसको याद रखना एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट। बच्चों जो है वो हमेशा इधर ही गलती करते हैं, तो ये बात को याद रखना कि अगर कोई नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड होगा, अगर जीरो को कोई नंबर कोई भी नंबर हो उससे डिवाइड करोगे अदर देन जीरो अगेन तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर टू इज टोल्ड व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइड बाय द सेम रैशनल नंबर द क्वोशेंट इज वन। मतलब अगर तुम सोचो कि 5/6 एक रैशनल नंबर है डेफिनेटली अदर देन जीरो डिवाइड बाय द सेम रैशनल नंबर मतलब 5/6 से डिवाइड किए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा हमेशा। सो 5/6 देखो इनटू अगर कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो अब इसको कैंसिल कर दोगे तो सब काट के 1 आ जाएगा। सो रिमेंबर रैशनल नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ यू विल गेट ऑलवेज 1, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। द प्रॉपर्टी नंबर 3 व्हेन अ रैशनल नंबर डिवाइड बाय 1, अब देखो ठीक इसका उल्टा, मतलब अगर तुम कोई रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें नंबर ही मिल जाएगा, वो नंबर इटसेल्फ यू विल गेट। और अगर इसका उल्टा हुआ ऑपोजिट मतलब 1 डिवाइड बाय 5/6 इसका रेसिप्रोकल नंबर मिल जाएगा मतलब 6/5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इफ x एंड y आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स देन इन जनरल x डिवाइडेड y नॉट इक्वल्स टू y डिवाइड x होता है। ये कैसे देखो, अगर कोई सिंपली तुम 5/6 डिवाइड 5/2 अगर तुम चूज करोगे तो इसको क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे देखो 5/6 ये डिवाइड साइन अगर चेंज करोगे तो 2/5 होगा, 3 कैंसिल हो गया मतलब 1/3 आ गया। और इधर देखो 5/2 इसको पहले लिखना है डिवाइड 5/6 तो इसमें क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 6/5, अब देखो ये कैंसिल हो गया तो 3 मिल रहा है और इधर 1/3 मिल रहा है, दोनों सेम नहीं है तो दैट मीन्स x डिवाइडेड y नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड x। ऐसे ही ये इसको याद है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करेगा, सेम है, सेम प्रोसेस है जो प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखा गया है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 x plus y डिवाइडेड z, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। यहाँ पे ये कहा गया है कि x प्लस वाई डिवाइडेड जेड एंड ये जो है देखो ये ब्रैकेट में ये प्लस है ये माइनस है दोनों सिमिलर जैसा है तो एक साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो अगर ऐसे लिखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जैसे कि x डिवाइडेड जेड होगा देन इन बिटवीन जो साइन होगा वो लिखना है देन y डिवाइडेड जेड। यहाँ पे भी देखो x डिवाइडेड देखो x एंड जेड में आ जाएगा तो x डिवाइडेड जेड होगा और उसके बाद जो साइन है माइनस वो माइनस लिखना है फिर y डिवाइडेड z, देखो y डिवाइडेड z आ गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 जब हम काम करेंगे वर्कशीट 4 तब इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये वेरीफाई हो रहा है, तो लेट्स डू इट। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो फास्ट जो दो सम है वो तुमको आ जाएगा इजीली, अगर नहीं आया तो वो जो एक्सप्लेनेशन है जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया पहले वीडियो के स्टार्टिंग में वो एक बार देख लो फिर से। तो अब नाउ 3 नंबर सम, तो 3 नंबर सम में देखो क्या करना है -10। नाउ ये जो बाय मतलब हमें क्या करना है डिवाइड, सो डिवाइड 1/5। अब बताओ -10 को कोई चेंज नहीं करना है, क्या कहां चेंज करना है डिवाइड के बाद में जो साइन है, अब डिवाइड को तुम्हें क्या लिखना है डिवाइड को इनटू करना है। अब जो ये नंबर है 5/1/5 इसको लिखना है 5/1, मैंने कहा था ना इसका रेसिप्रोकल नंबर तुम्हें लिख देना है, अगर ये नंबर तुम चेंज कर दोगे डिवाइड को अगर इनटू में चेंज कर दोगे तो इसका जो रेसिप्रोकल नंबर है वो इधर लिख देना है। सो नाउ नथिंग कैन बी कैंसिल, ये भी 10/1 सो जस्ट ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 5 × -10 दैट इज -50/1 दैट इज -50 इज द आंसर। नाउ 4 नंबर में देखो 1/13, नाउ बाय मतलब डिवाइड -2 -2 वी कैन इजी अज्यूम दैट -2 इज -2/1 ओके दिस इज आई एम राइटिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सो नाउ 1/13 नाउ आई हैव टोल्ड नाउ दैट इफ यू हैव चेंज सो डिवाइड इनटू में हो गया तो फिर क्या करना है इसको भी चेंज कर दो मतलब ये 1/-2 हो जाएगा ओके। नाउ नेक्स्ट नथिंग कैन बी कैंसिल सो जो न्यूमरेटर न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर याद रखना माइनस है माइनस प्लस
माइनस, सो माइनस 26. नाउ राइट, ऑलवेज राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ यू कैन सी डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, सो मेक इट पॉजिटिव. सो सिंपली मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, दैट मींस कुछ नहीं करना है तुम्हें, साइन को चेंज कर देना है. ओके, सो मैंने जो लाइव प्लस जो लिए थे उधर ये एक्सप्लेन किए थे क्यों ये साइन चेंज हो रहा है. सो यू कैन सी देयर ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू डू बाय टेकिंग एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू हैज बीन गिवन, वेरीफाई एक्स डिवाइडेड वाई नॉट इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड एक्स. यू कैन सी आई हैव डन सम पार्ट. सो एक्स डिवाइडेड वाई, सो सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आई हैव रिटन. नाउ क्या करना है कि 3/4, नाउ आई हैव टोल्ड ना चेंज द साइन, डिवाइड से तुम्हें इनटू में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे क्या लिखना है, देखो 5 बाय जो माइनस 5 बाय 6 है उसका उल्टा नंबर, मतलब उसका रेसिप्रोकल नंबर 6 बाय 5 माइनस. सो अब देखो ये कैंसिल होगा कि 4 2 जर 3 जर, नाउ 3 3 जर 9, 2 5 जर 10, बट माइनस प्लस माइनस झमेला हटाओ. तो नाउ यहाँ पे देखो अगर तुम इसको सेम प्रोसेस, y का वैल्यू पुट किया है मैंने, x का वैल्यू भी पुट किया है, अब इनटू को सॉरी डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट किया है, अब जो 3 बाई 4 था वो 4 बाई 3 हो गया. इसी पार्ट को अगर तुम याद रखोगे तो बस बाकी इजी है, बहुत ही इजी है. तो अब क्या करना है, 2 2 जा 4, 3 जा नाउ 5, नाउ माइनस प्लस माइनस 10, 5 2 जा 10 एंड दैट इज 9. यू कैन सी देयर 9 बाई माइनस 10 और दैट कैन बी रिटन, आई हैव टोल्ड ना राइट द नंबर ऑलवेज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो माइनस 9 बाई 10 make the denominator positive. So now you can see minus 9 by 10 and here minus 10 by 9. So both are not same. So you can say x divided y not equals to y divided x. Very fine. Now question number 3. The product of two rational number is minus 3 by 7. If one number is 5 by 21, find the other number. See students, those who can do it directly, they will do the product divided by one number. You will get the another number. What to do? The product divided by a number means here product is minus 3 by 7, that divided number. Number means 5 by 21. You will get the another number. अब कोई कोई बच्चे जो है यहाँ पे इसको ये बात समझ में नहीं आती, मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ. तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम x चूज कर लो. So now you can see, let the number be x. Now tell me, जो नंबर है वो एक एक नंबर है वो है 5/21, ठीक है, और एक नंबर जो तुम्हें पता नहीं था तुमने वो चूज किया है कि वो है x. अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट मतलब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है. तो अगर सोचो कि इसको तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें कोई वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू हैज बीन गिवन, दैट इज माइनस 3/7. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन. सो x इनटू 5/21, ये एक नंबर जो तुमने चूज किया है और ये बुक में दिया गया है अनदर नंबर, अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर दे तो तुम्हें ये भी दिया गया है कि उसका प्रोडक्ट है माइनस 3/7. अब डिवीजन का रूल तो तुम्हें जो लीनियर इक्वेशन का रूल तो पता ही है कि अगर इस साइड में प्लस होगा तो इक्वल के उस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस. अगर इस साइड में इनटू है तो इस साइड में क्या होगा, डिवाइड. अगर इस साइड में डिवाइड है तो इस साइड में क्या होगा, इनटू होगा. ये तुम्हें पता है क्योंकि क्लास 6 में तुम लोग लीनियर इक्वेशन कर चुके हो ऑलरेडी. तो देखो ये x का जो मतलब ये यहाँ पे इनटू था, तो अगर इसको इधर ट्रांसफोर्स करोगे तो क्या होगा, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा. अब डिवाइड मतलब इसको तो सिंपल डिवीजन तुम्हें आता है, क्या करना है 3/7. अब इस साइन को तुम चेंज करो तो इसका रेसिप्रोकल नंबर यू हैव टू राइट, दैट इज 21/5. नाउ दैट कैन बी कैंसिल, यू कैन सी 7 1 द 7, 7 3 द 21. नाउ माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट झमेला हटाओ, 3 3 द 9, 5 on the 5. So another number is 9/5. Minus 9/5 is the another number. That's it for today. यहाँ पे मैंने जो पूरा वर्कशीट खत्म नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये जो वीडियो है बहुत लेंदी हो चुका है और मैंने नोटिस किया है बच्चों जो है वो अगर लेंदी बहुत वीडियो लेंदी हो जाते तो वो लोग लास्ट टाइम नहीं देखता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरा रेस्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा. So stay tuned. I'll come back soon.